प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंसेस लिखूं, हिंदी में लिखती हूँ, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह पढ़ रही है, मोहन गाना गा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे जहां भी रहा, रही, रहे, ये सब वर्ड्स आ जाएंगी। इन वर्ड्स को देख के, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। जहां पे भी रहा, रहे, रही, ये सब वर्ड्स आ जाएंगे। आप इन वर्ड्स को देखते ही पहचान जाओगे। इन वर्ड्स को देखते ही आप ये समझ लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है, और यहाँ पे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ही लगेगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका रूल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इस या एम या आर, इन तीनों के यूजेस हम बारी बारी सीखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस लेकिन उसके साथ आईएनजी। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम एम की बात करते हैं, हम इसे सीखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? अभी हम इन दोनों को भूल जाएंगे, हम सिर्फ एम की बात करेंगे। इसका मतलब हम सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम ये फॉर्मूला सीखेंगे। पहले हम सिर्फ एम की बात कर रहे हैं अभी, इसके अलावा हम अभी किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे। तो एम कहाँ यूज होगा? अगर मैं यहां पे सेंटेंस लिखूं, मैं खाना खा रहा हूं, चलिए पहले इसके वर्ड मीनिंग्स ढूंढते हैं। मैं की इंग्लिश, आई खाना, खाना की इंग्लिश फूड, खा रहा हूं खाने की इंग्लिश, यहां पे खा रहा हूं मतलब खाने की इंग्लिश, ईट। अब इन वर्ड्स को हम इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। सिंपल, बहुत इजी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? काम करने वाला। मैं खाना खा रहा हूं, काम कौन कर रहा है यहां पे? मैं, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की इंग्लिश आई, यहां पे आई। इसके बाद हमारा रूल कहता है एम, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? काम करना। काम क्या हो रहा है? खाने का, खाने का काम हो रहा है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म, ईट की फर्स्ट फॉर्म, ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। प्लस उसके साथ भी क्या लगेगा? इतना हो गया हमारा। अब बचा आईएनजी, प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो ईट से क्या बन जाएगा? जब हम ईट में आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग, आई एम ईटिंग। तो मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा है? खाना की इंग्लिश रह गई, हमने इसका बना दिया मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। क्या खा रहा है? फूड। यहां हम फूड लिख देंगे।
आई एम ईटिंग फूड। एक तो हुआ कि हम इस रूल के अकॉर्डिंग चले, और दूसरी चीज ये है कि जहां पे भी आई आएगा वहां सिर्फ और सिर्फ एम ही आएगा, ना तो इज आएगा ना ही आर आएगा कभी भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी हम आई हमारा सब्जेक्ट होगा, जब भी आई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिर्फ एम ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले एम का सेंटेंस स्टार्ट करवाया। तो मैं का मतलब आई, और जब भी सब्जेक्ट आई होगा उसके साथ एम आएगा।